और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी है। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस को ये बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस से मिलिंद देवड़ा का इस्तीफा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और महाराष्ट्र कांग्रेस को ये बड़ा झटका है। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी भी साझा की है। अब लोकसभा का चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में मिलिंद देवड़ा का ये इस्तीफा जो कि कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। और विवेक गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या ठोस वजह इसकी रही होगी, बताइए। देखिए, आपको बताना चाहिए कि मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करके साफ तौर पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया और ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है कि 55 साल का जो उनका साथ था कांग्रेस पार्टी के साथ, वो अब नहीं रहेगा। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है कि लोकसभा सीट के लिए साउथ मुंबई के लिए वो चाहते थे कि लोकसभा सीट के उनको नाम को दिया जाए, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी उद्धव ठाकरे गुट के जो सांसद है अरविंद सावंत, वहाँ पर सिटिंग MP हैं, तो जो महाविकास अघाड़ी है वो सीट मिलिंद देवड़ा को नहीं देना चाहती थी, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। इसी वजह से मिलिंद देवड़ा काफी ज्यादा नाराज थे और ये जो नाराजगी उनकी 15-20 दिन से लगातार चल रही थी और अनुमान लगाया जा रहा था कि मिलिंद देवड़ा इस नाराजगी की वजह से इस्तीफा दे सकते हैं। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि मिलिंद देवड़ा आज एक नई पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। सिंधे कैंप का हाथ मिलिंद देवड़ा थाम सकते हैं और अभी ये मिलिंद देवड़ा ने ऑफिशियली ट्वीट कर दिया कि वो पार्टी से रिजाइन कर दिए हैं और कुछ देर बाद या फिर कुछ जल्दी एक नई पार्टी में वो शामिल होने वाले हैं। और जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे की शिवसेना में मिलिंद देवड़ा शामिल हो सकते हैं। ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी अरुण भी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अरुण, आपसे ये भी समझेंगे कि कांग्रेस के लिए ये कितना बड़ा झटका है, लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं को आखिर पार्टी में रोक कर क्यों नहीं रख पाती, अब लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका। देखिए, कोई भी पार्टी जब कमजोर होती है तो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, और जैसा कि विवेक कह रहे थे कि मुंबई की वो सीट जहां से अरविंद सावंत सांसद हैं, वहीं से मिलिंद देवड़ा सांसद बनना चाहते हैं, और वो संभव इसलिए नहीं था क्योंकि वो सीट किसी और के पास थी। तो मुश्किल कांग्रेस के सामने है कि उसके पास विकल्प बहुत कम है, अपने नेताओं को देने के लिए उसके पास बहुत कम है। और आज जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है, राहुल गांधी कुछ देर बाद इम्फाल लैंड करने वाले हैं, और उसी दिन मिलिंद देवड़ा का पार्टी छोड़ना निश्चित रूप से पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। और वो तब भी क्योंकि राहुल गांधी की टीम के मेंबर वो माने जाते रहे, और दो पीढ़ियों से अगर मुरली देवड़ा की बात करें, उच्च पदों पर रहे पार्टी के लिए, बहुत कई बार उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में पार्टी को संभाला है। तो मुरली देवड़ा और मिलिंद देवड़ा का परिवार अगर कांग्रेस पार्टी से अलग होने की घोषणा करता है और ठीक 2024 के चुनाव के पहले, तो ये बड़ा झटका पार्टी के लिए है, और उस दिन जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपने दर्शकों को समझाया कि आगे आने वाले परिणाम भी इसके क्या देखने को मिल सकते हैं। विवेक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, जरा अब आप ये बताइए, 55 सालों का इतना लंबा साथ उन्होंने कांग्रेस का छोड़ दिया है, अगला कदम वो कब उठा सकते हैं, और क्या जो प्रॉब्लम उनकी तरफ से जो सोर्सेस बता रहे हैं कि जिस सीट से वो चाहते थे चुनाव लड़ना, क्या किसी दूसरे पार्टी में शामिल होने के बाद ये प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाएगी? देखिए लवीना, इसमें देखिए मिलिंद देवड़ा का साफ तौर पर कहना है कि ये अब उनके आत्मसम्मान की लड़ाई थी। वो पहले भी तो साउथ मुंबई की सीट से विधायक MP का चुनाव लड़ा था और जीते भी थे, लेकिन उसके बाद पार्टी ने उनको उस जगह की सीट नहीं दी और उद्धव ठाकरे गुट ने उस सीट पर अरविंद सावंत को उतारा। अरविंद सावंत भी जीते, लेकिन वही सीट साउथ मुंबई, जो माना जाता है कि मिलिंद देवड़ा का दावा है कि साउथ मुंबई उनके उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और काफी मजबूत सीट है कांग्रेस की। ये पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीतकर शिवसेना ने जीता था, तो बार बार मिलिंद देवड़ा महाविकास अघाड़ी से यही मांग कर रहे थे कि ये सीट उन्हें दी जाए, एक बार फिर से उनके ऊपर भरोसा जताया जाए, इस बार वो जीतकर वापस जाएंगे। लेकिन महाविकास अघाड़ी के जो नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना था कि सिटिंग MP को हटाकर हम दो सीट कांग्रेस को नहीं दे सकते हैं, मिलिंद देवड़ा को नहीं दे सकते। इसी वजह से मिलिंद देवड़ा काफी ज्यादा नाराज थे, और जो ये बातें जो है नाराजगी की वो काफी दिनों से चल रही थी, 15-20 दिनों से चल रही थी, और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि मिलिंद देवड़ा अपने राजनीतिक करियर में बड़ा कदम उठा सकते हैं, जो उन्होंने आज उठाया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और रूपए कहा कि 55 साल पुराना जो कांग्रेस का नाता था उसे आज वो तोड़ रहे हैं। अब ये ऑफिशियली हो गया कि मिलिंद देवड़ा ने पार्टी से रिजाइन कर दिया, कांग्रेस पार्टी का वो नेता नहीं है। अब सामने जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मिलिंद देवड़ा एकनाथ शिंदे कैंप से संपर्क में है
और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो आज शाम तक या आज दोपहर तक मिलन देवड़ा एकनाथ शिंदे कैंप में शामिल हो सकते हैं। तो है। अपने आप में ये बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव से पहले खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए।